हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बनाते हैं दिल्ली छे की फेमस डिश, जो कि ये फ्राई चिकन हम लोग बनाएंगे। इससे हम लोग बनाएंगे फ्राई चिकन, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सामान से बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लूंगी एक बड़ा सा बॉल। अब इसमें हम लोग डालेंगे अपना नींबू, नींबू का अपना पल्प निकाल करके अच्छे से आप डालें। देखिए मैंने इसकी बीज को निकाल ले रही हूँ बाहर, इसमें भी निकाल लेंगे हम लोग अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हम लोग डालेंगे अपना दही, जो कि मेजर करेंगे स्पून से तो 5-6 स्पून होगा। मैंने जो जिस स्पून से मैंने आपको दिखाया नींबू, उसी स्पून से 4 स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर और बेसन ली हूँ। अब इसमें हम लोग डाल देंगे अच्छे से। फिर इसमें हम लोग डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए इसको हम लोग डाल देंगे, देखिए 1 स्पून, और मैं डालूंगी इसमें 1 स्पून और, 2 स्पून मैंने डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देंगे क्योंकि 1.5 kg चिकन है। चिकन को कभी भी आप अपना धोएं तो उसमें विनेगर और आपको नींबू डाल के धोना चाहिए, नमक, जो कि उससे पहले से अच्छे से नमक अंदर चला जाता है और खट्टा। देखिए मैं 1 टेबल स्पून इसमें डालूंगी वाइट नमक, जो कि इसमें हमें चाट मसाला भी डालना है। इसमें हम लोग डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, देखिए मैंने ढक के लिया है। चलिए फ्रेंड्स, इसी से हम लोग डालेंगे 1/2 टेबल स्पून रेड चिली, जो कि मेरी तीखी वाली रेड चिली है। एक छोटी सी स्पून से हम लोग डालेंगे इसमें अजवाइन, क्रश करके ऐसे आप डाल दो, इससे फ्लेवर बहुत। थोड़ी सी हम लोग डालेंगे कसूरी मेथी, इसको अच्छे से क्रश करके ऐसे डाल दो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने घर का होममेड मसाला ली हूँ, ये है चिकन मसाला, इसको हम अच्छे से डाल देंगे। अब हम लोग इसको थोड़ी सी मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ब्लैक, आप देखिए ये मैं डालूंगी सोया सॉस, ब्लैक सोया सॉस है 1/2 टेबल स्पून। इसको अब हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे से, इसके अंदर थोड़ी सी कम लग रहा है, हम लोग और डाल लेंगे। देखिए मैंने डाल लिया इसके अंदर, इसको फिर मिला लेंगे। आपने देखा फ्रेंड्स कितने कम सामान में बन गया। अब इसमें हम लोग डालेंगे फूड कलर, है तो डाल दीजिए, नहीं है तो ये नहीं है कि मतलब हम इसके बगैर नहीं बना पाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम लोग मिला लेते हैं। थोड़ी सी मेरी दही कटोरी में थी, उसको भी मैंने डाल लिया करके, चिकन डाल लेंगे अच्छे से। इसके जो कट है ना लेग ओग में, सब हम लोग अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, थोड़े थोड़े करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने छोटा सा बॉल ले आई हूँ, अब इसमें हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अपना चिकन, हो गया है। अब हम लोग 2 घंटे रख चुके हैं, इसको हम लोग कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसको फ्राई कर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, गल जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा रेड। फ्रेंड्स, मेरा एक भी चिकन पर से कोटिंग नहीं हटा है इसका, बिल्कुल मेरा मसाला जो है अच्छा से लगा पड़ा है। अब डालेंगे इसके अंदर हम लोग चाट मसाला, देखिए इसको। चलिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम लोग डालेंगे अपना चाट मसाला। फ्रेंड्स, मेरा बन के रेडी हो गया है चिकन फ्राई। देखिए, चलिए आप भी अपने घर पे बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप ज़रूर इसको ट्राई करें।